नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं उनके बच्चे आरआईएमसी ज्वाइन करें। आज का ये वीडियो खासकर मैं पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, बच्चों के लिए आज का वीडियो नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो बातें हैं जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये जो थॉट्स हैं सभी पेरेंट्स के, ये जो व्यूज़ हैं, वो मैं चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स तक पहुँचे। तो आज का वीडियो है आरआईएमसी के ऊपर। देखिए, वैसे तो सभी पेरेंट्स और कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल मैं भी इस बात से वाकिफ़ हूँ कि आरआईएमसी एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और आरआईएमसी में कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं आरआईएमसी ने वो डिग्निटी अपनी मेंटेन भी करी थी, और कहीं ना कहीं आरआईएमसी के बच्चों को हमने अलग अलग वेरियस फील्ड्स में उभरते हुए देखा है। कहीं ना कहीं आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, टॉप मोस्ट रैंक्स तक हमने आर्मी के आरआईएमसी के स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुँचे। इतनी सब बातों के बावजूद भी आरआईएमसी ने पिछले दो सेशंस में कहीं ना कहीं मैथ्स के पेपर में जो जिस तरीके का पैटर्न दिया है उससे थोड़ा सा जनता नाखुश है, उससे हम भी नाखुश हैं, और उसी के ऊपर आज की चर्चा है। बेसिकली काफ़ी पेरेंट्स से बात हुई और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन पेरेंट्स के विचार हम सभी तक पहुँचे और उसमें कुछ ना कुछ हम लोग आपस में डिस्कस ज़रूर करें। मुझे मालूम है कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन कॉमेंट्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहे, और कहीं ना कहीं ये बात हमारी जो आज हम रखेंगे ये कहीं ना कहीं आरआईएमसी तक पहुँचे, और आरआईएमसी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले ले जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के वेलफेयर के लिए हों। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं आरआईएमसी की तरफ से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आरआईएमसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, अभी तक क्या देखा गया था, अभी तक यही देखा गया था कि आरआईएमसी में बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं आरआईएमसी ज्वाइन करने के। पहला तो उसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है बच्चों का। ठीक है, जो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनका होता है इंटरव्यू। और जैसे कि हमें पता है कि ये एक फीडर इंस्टीट्यूट है, ये चाहता है कि बच्चे लेटर ऑन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें, तो इसमें एक और प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं मेडिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा एग्जॉस्टिव मेडिकल होता है, कोई सिंपल आर्म मेडिकल नहीं है, बड़ा एग्जॉस्टिव मेडिकल है। आर्म फोर्सेस के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए इस मेडिकल को रखा गया है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे को अनफिट कर दिया जाता है। इसको हम समझते हैं कि ये ज़रूरत है फ़ौज की या आर्म फोर्सेज की ज़रूरत है, तो अगर हमारा बच्चा मेडिकली अनफिट होता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डाइजेस्टेबल होती है सभी पेरेंट्स के लिए। ओके, लेकिन दरअसल आरआईएमसी ने पिछले दो सेशंस में कुछ चेंजेस करे हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में, और वो भी खास कर, देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। एक तो है मैथ का पेपर होता है, एक होता है इंग्लिश का, और एक होता है जीके का। तो जो पेरेंट्स नाखुश हैं वो नाखुश हैं खासकर मैथ्स के पेपर को लेकर। ओके, क्योंकि मैथ्स के पेपर में इस बार और पिछले बार जो आरआईएमसी ने जिस तरीके का पैटर्न दिया है, ओके, वो पैटर्न हमने कहीं ना कहीं अपने पूरे एकेडमिक्स में कहीं नहीं देखा। ओके, और उसमें बच्चों को दे जा रहे हैं ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो पेपर दिया गया वो दिया गया जून 2023 में, और इस बार दिसंबर में भी यही इसी तरीके का मैथ्स का पेपर दिया गया। हमें इंग्लिश से कोई नाराज़गी नहीं है और जीके से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैथ्स के पेपर को देखते हुए हमें काफ़ी नाराज़गी है आरआईएमसी से। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस मैथ्स के पेपर की, विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओलंपियाड। अब इसमें पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया है, पेरेंट्स के क्या व्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए, काफ़ी पेरेंट्स से मैंने बात भी करी, मैंने उन पेरेंट्स से भी बात करी जिनके बच्चे ऑलरेडी आरआईएमसी में अभी पढ़ रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स का ये कहना था, देखिए जो जिस लेवल का पेपर बच्चों से पूछा गया है वो इन बच्चों के मतलब का है ही नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर बनता है, देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम की भी अगर मैं बात करूँ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जिसके बारे में अभी मालूम है, उसका भी एक सिलेबस है, एक स्पेसिफिक सिलेबस है। ठीक है, बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट करवाता है,
और उसका भी एक स्पेसिफिक सिलेबस है, एक एक बॉडी है जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, और एक प्रॉपर सिलेबस के साथ, ठीक है। क्वेश्चंस चाहे जिस लेवल के आए, जिस लेवल का बच्चे को रिसर्च करनी हो, बट प्रॉपर उन्होंने एक सिलेबस दिया है। लेकिन आरएमसी ने पिछले बार जो जून 2023 में जो पेपर दिया, और इस बार जो दिसंबर में पेपर दिया, उसका कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। अगर पेरेंट्स को गुस्सा इस बात से है कि अगर आप अभी भी प्रॉस्पेक्टस देखेंगे, अब इस बात से अभी हम लोग तो अनजान है कि क्या पता इस बार के लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस में क्या पता आरएमसी ने कुछ मेजर चेंजेस किए हों सिलेबस में, लेकिन अभी तक जहाँ तक जो प्रॉस्पेक्टस हमने देखे हैं उसमें जो सिलेबस दिया है वो वही सिलेबस दिया गया है जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। मतलब मैथ्स की बात करो तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ही उन्होंने पार्ट दिया है, जो बेसिकली बच्चों के स्कूल्स में भी आता है, जो बच्चे के स्कूल के करिकुलम में भी है, और जो बच्चों के आरएमसी में भी उनसे पूछा जाता है। तो पेरेंट्स के इसमें कई सवाल थे मुझसे, पेरेंट्स ने इसमें स्पेसिफिकली पूछा, सर आप ये बताइए कि जो जिस तरीके के क्वेश्चंस ओलंपियाड में दिए जा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस क्या बेसिकली बच्चों को पूछे जाते हैं आरएमसी में? देखिए, जो इंडिया में ओलंपियाड होते हैं क्लास 8th और क्लास 9th के लेवल के, उसमें कहीं ना कहीं इसी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। लेकिन जो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं वो कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ना इसमें, ये इंटरनेशनल ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है, ओके? तो ये इंटरनेशनल ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ बच्चों के काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने कोई रिसर्च तो करी नहीं, मैं पेरेंट्स के व्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोई खुलासा आरएमसी की तरफ से हुआ नहीं है, क्योंकि आरएमसी एक बहुत ही प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ हमें पता तो नहीं चली है आरएमसी की तरफ से। लेकिन जो पेरेंट्स के व्यूज़ हैं वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो जो मैं आज बात करूँगा उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, मैं बता दूँ सभी पेरेंट्स को, लेकिन मैं एक व्यूज़ अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो सभी पेरेंट्स के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट्स का कहना यह है, ध्यान से देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है, और इस बात से कहीं ना कहीं मैं भी अग्री करता हूँ कि जो ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि इंटरनेशनल ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जा रहे हैं, ये क्यों पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर कहीं ना कहीं हमें आरएमसी दे। क्या वो चाहती है कि बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो, ओके? अगर वो इतनी अच्छी रीजनिंग एबिलिटी चाहती है तो क्यों ना वो अपने करिकुलम में जब बच्चा एंट्री करे, क्यों ना तब वो उसकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाए? क्योंकि अगर बच्चा सिक्स्थ में है या सेवन्थ में है या एट्थ में है, और अपने स्कूल के करिकुलम में अगर वो पढ़ेगा, तो ऐसी इस तरीके की ओलंपियाड तो उनको पढ़ाया जाता ही नहीं हमारे स्कूल्स के करिकुलम में। तो एक आम साधारण सा बच्चा जो कि टैलेंटेड है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है, फाइनेंशियली वीक है, उसको तो आपने कॉम्पिटिशन से बाहर ही कर दिया। ये पेरेंट्स का कहना है कि सर आप बताइए कि अगर एक बच्चा सेवन्थ क्लास में पढ़ता है, बहुत अच्छा अपने स्कूल में कर रहा है, किसी सरकारी स्कूल का बच्चा है और इकोनॉमिकली कमज़ोर है, लेकिन टैलेंटेड है, पूरा उसमें काबिलियत है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, क्योंकि जो उसका सिलेबस की मैथ्स है वो उसको अच्छे से आती है, तो ऐसा बच्चा तो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन है। ये तो मैथ्स ऐसी बना दी उन्होंने कि अब बच्चों को कोचिंग लेनी ही पड़ेगी ओलंपियाड बेस्ड मैथ्स के लिए, कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस चाहिए ना, या तो स्कूल के करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस करो, ओके? तो ये तो एक नाइंसाफी है ना, ये तो बेसिकली आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिलती है सभी बच्चों को, ठीक है, वो तो मिल नहीं रही यहाँ पर, ओके? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो। ये पेरेंट्स का ऐसा कहना था, देखिए, तो मैं बिल्कुल पेरेंट्स से अग्री करता हूँ। ये जो पहली बात थी कि जो आम इंसान है वो तो इस पेपर को कभी पास कर ही नहीं सकता, तो आम इंसानों के लिए तो ये है ही नहीं, आम इन द सेंस कि जो बेसिकली फाइनेंशियली वीक है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। टैलेंटेड तो है, क्योंकि अपने स्कूल के करिकुलम के उनको उन्होंने बुक्स को तो पढ़ा है, मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश भी कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत करके अपनी अच्छी करी है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरनेशनल बेस्ड ओलंपियाड, तो वो तो कभी एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस कभी करे ही नहीं है लाइफ में। दूसरी चीज़ अब पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि देखिए सर, आरएमसी इस क्वेश्चन पेपर को बना रहा है, और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चला है कि आरएमसी के अपने करिकुलम में कहीं ना कहीं ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों को कराए जाते हैं। आरएमसी अपने करिकुलम में बच्चों को करवाता है, वो करवा सकता है अपने करिकुलम में, कुछ भी कराए, बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी वो बढ़ाना चाहता है, बढ़ाए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बाहर से हैं उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो अपनी रीजनिंग एबिलिटी पहले से बढ़ा के लाएं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ये आरएमसी को समझना पड़ेगा।
आरआईएमसी जो बच्चों के साथ करना चाहता है वो तब करे जब उनका एडमिशन आरआईएमसी में हो जाए, उसके बाद चाहे उन्हें रशियन बेस्ड ओलंपियाड के क्वेश्चंस करवाए जाएं, कोई अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है वो करवाए जाएँ, और कोई भी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है वो करवाए जाएँ, उनकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर ऐसा सोचा जाएगा कि बच्चे पहले से ही ये सारी चीज़ें तैयार करके आए तो वो पॉसिबल नहीं है, साफ सी बात है। ठीक है, ये आरएमसी को समझना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ अर एकेडमिक करिकुलम, हमारे एकेडमिक करिकुलम का पार्ट नहीं है ये इंटरनेशनल बेस्ड ओलंपियाड जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सेवन्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चे हैं और आप जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको इंटरप्रेट करने में हमें भी वक्त लग रहा है, हमें भी समय लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को हमने भी कभी नहीं करा। और ये जाहिर सी बात है, ये तो आप इवन आरएमसी के अगर स्टूडेंट्स भी आ जाए ना, आरएमसी के जो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं कैडेट से वो भी आ जाए ना, वो भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे इतने जल्दी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, तो मैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ आरएमसी के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आरएमसी को ज़रूर इस चीज़ में रिव्यू करना चाहिए, जो भी उनकी टीम है जो एक क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है उनको समझना चाहिए ना, दे शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री जो इतने मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, इतना वो लोग चाहते हैं कि बच्चे आरएमसी में सेलेक्ट हों, पेरेंट्स ने अपनी जॉब छोड़ी हुई है, बच्चों के पीछे लगे हुए हैं, उनको तैयारी करवा रहे हैं, तो आरएमसी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि वो क्या क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, हमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन पेपर से प्रॉब्लम है। तो पहला तो अब सजेशन क्या दे रहे हैं इसमें, देखिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर देखिए जो भी ये आरएमसी का पेपर है ये कहीं ना कहीं आरएमसी ना बनाए, क्योंकि आरएमसी उनको लग रहा है कि सेंसिटिव नहीं है टूवर्ड्स द पेरेंट्स, तो उनको लग रहा है कि ये पेपर कोई और एजेंसी बनाए, या तो एनटीए बनाए या तो इसको यूपीएससी बनाए, ठीक है, या तो इसको एनटीए बनाए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सैनिक स्कूल का पेपर बनाती है, या इसको यूपीएससी, आप यूपीएससी के लेवल का बना दो इसे, लेकिन एक प्रॉपर सिलेबस तो होगा उसके अकॉर्डिंगली, जैसे सैनिक स्कूल का एक प्रॉपर सिलेबस आप देखते हो वैसे अगर एनटीए बनाएगी इस पेपर को, चाहे लेवल कितना भी टफ करे लेकिन कहीं ना कहीं एक सिलेबस तो प्रॉपर देखने को मिलेगा, ताकि बच्चा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ग्रूम कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो पेरेंट्स चाहते हैं कि आरएमसी में एक पर्टिकुलर एजेंसी को रखा जाए जो आरएमसी का पेपर सेट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएमसी एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू यूपीएससी, यू कैन से एक मिनी यूपीएससी आप से समझिए। दूसरा पॉइंट पेरेंट्स का ये भी कहना है, देखिए अब क्योंकि बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारी बातों में हमने डिस्कशन किया है, तो दूसरा पॉइंट ये भी पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया या सामने आया है कि जो रिटर्न के बाद जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है, इंटरव्यू की प्रक्रिया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब ये पेरेंट्स हमें बता रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि कितने सच हैं इसको आप, लेकिन सोच सकते हैं ना, सोचने के लिए ये बात मैं कहीं ना कहीं आप तक रख रहा हूँ। पेरेंट्स का ये कहना है कि देखिए आरएमसी ऐसा पेपर इसलिए बना रही है क्योंकि वो चाहती है कि बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो और जो डिफेंस ओरिएंटेड बच्चे हैं वो उनको मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर उनको डिफेंस ओरिएंटेड बच्चे ही चाहिए, जैसे कि एनडीए में आपने देखा होगा एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है, तो एनडीए के पेपर में जो भी सिलेबस है वो एज पर यूपीएससी है, 11 12th का जो भी सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे एनडीए का पेपर निकालते हैं 11 12th, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं 11 12th में, तो एनडीए का पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक एग्जॉस्टिव इंटरव्यू होता है जिसको हम एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पर वो चेक करते हैं कि क्या बच्चा फौज के लायक है या नहीं है। तो ये चीज़ आप आरएमसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इंटरव्यू करवाने से अच्छा आप सारे, देखिए बच्चे कितने निकलते हैं आपको बताइए, 30-35 बच्चे तो कुल निकलते हैं ऑल इंडिया लेवल से आरएमसी में, उन 30-35 बच्चों को आप इंटरव्यू करवाओ ना, आरएमसी में ही करवाओ, उनको बुलवाओ आप, उनकी आप 5-6 दिन का इंटरव्यू लो आप, जिस तरीके से एसएसबी होती है उनका एक एसएसबी काइंड ऑफ इंटरव्यू लो आप, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मतलब आप चाहते हैं ना कि बच्चे डिफेंस ओरिएंटेड आए, तो आप उन्हें पर्सनालिटी, जब आप उनका इंटरव्यू लोगे, जब आप उनको एक्सेस करोगे उनकी पर्सनालिटी वाइज, ओके, या साइकोलॉजिकल उनको आप एक्सेस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिन तो लगेंगे, तो जो आपको वो डिफेंस ओरिएंटेड बच्चे चाहिए आप उनका इंटरव्यू हार्ड कर दो, आप उनको इंटरव्यू में एक्सेस करो कि वो फौज के लायक है या नहीं है। तो पेरेंट्स की एक ये भी राय थी, एक ये भी एडवाइस थी कि जो आप स्टेट्स में जो हो रहे हैं वो सारे के सारे इंटरव्यूज आरएमसी में ही हों, ओके, ताकि पेरेंट्स का ये भी कहना था कि सर कई कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर आरएमसी के इंटरव्यू को ज़्यादा
इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती। किसी किसी स्टेट्स में तो अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं प्रॉपरली, लेकिन किसी किसी स्टेट्स में वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो उस लेवल का इंटरव्यू नहीं होता जो बेसिकली रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए, क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड। ओके, तो पेरेंट्स की डिमांड है कि आरएमसी ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, ऑल इंडिया लेवल में सबका इंटरव्यू आरएमसी में ही हो। तीसरा पॉइंट पेरेंट्स का ये है कि मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में मेडिकल बच्चों के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से एसएसबी में आपने देखा होगा, एसएसबी में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल फिर होता है साथ में, तो इसी तरीके से पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर आरएमसी इतने ही डिफेंस ओरिएंटेड बच्चे चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आरएमसी में अंदर, अगेन मैं आप अभी सोर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बात एक उड़ती उड़ती हमारे कानों में आई, ये बात सच है नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा आरएमसी में हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं ये बात कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते आई है कि आरएमसी में ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे हैं जो जिनका मेडिकल हुआ, सेकेंड स्टेज ऑफ मेडिकल आरएमसी में लिया गया, तो वो मेडिकली अनफिट पाए गए। इसका मतलब स्टेट्स में कहीं ना कहीं उन मेडिकल पैरामीटर्स को ध्यान से नहीं देखा गया, या कहीं ना कहीं वो सावधानी नहीं बरती स्टेट्स लेवल पे जो उनके मेडिकल हुए। ठीक है, तो पेरेंट्स की ये भी डिमांड थी, सर ये भी गलत चीज़ है, जब आरएमसी एक फीडर इंस्टीट्यूट है और इतना जब उसके बेसिकली एक एक स्टैंडर्ड है आरएमसी का, तो कहीं ना कहीं मेडिकल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो मेडिकल भी आरएमसी ही अंडरटेक करे। ओके, आरएमसी ही अंडरटेक करने का मतलब है एक ही जगह में मेडिकल हो, जहाँ पर वैसे देखिए मेडिकल तो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसे चीज़ें देखी जा रही हैं कहीं ना कहीं मेडिकल पैरामीटर्स के साथ ऊपर नीचे बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिकल को भी एक ही जगह कंडक्ट किया जाए, आरएमसी में ही कोई कोई मेडिकल टीम आए, क्योंकि बच्चे कम है ना, उतने बच्चे तो है नहीं हमारे पास ना, तो उनका मेडिकल तो आराम से किया जा सकता है। ओके, तो सारे सारे सभी बच्चों के मेडिकल इंटरव्यू और मेडिकल एक साथ हो, पेरेंट्स आए साथ में समय लेकर आए, जैसे एसएसबी में बच्चे जाते हैं एक हफ्ते के लिए और मेडिकल होता है तो फिर 2 हफ्ते लग जाते हैं, वैसे 1 से 2 हफ्तों की ये प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें इंटरव्यू के साथ साथ बच्चों का मेडिकल हो जाए, देहरादून में ही आरएमसी में ही हो जाए। तो आरएमसी को अपनी एक मेडिकल टीम बनानी चाहिए जिसमें जो बच्चों के सभी के मेडिकल हैं वो यहीं पर हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को रिपीट करूँगा और एक बार पेरेंट्स की एडवाइस भी जानना चाहूँगा, कॉमेंट्स में आप ज़रूर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ कॉपीज़ को लेकर है बच्चों की या आंसर शीट्स को लेकर है, तो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है आरएमसी का वो क्या है मैं आपको बता दूँ। सारे स्टेट्स में ये एग्ज़ाम किया जाता है, सारे स्टेट कैपिटल्स में एग्ज़ाम होता है, फिर वो सारी की सारी कॉपीज़, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इफ़ आई एम करेक्ट, क्या पता मैं कहीं पर गलत भी हूँ, लेकिन ऐसा अभी तक की जो हमारे जो पेरेंट्स का जो फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चला है कि सारी की सारी कॉपीज़ देहरादून आती हैं चेक होने के लिए, और जब सारी की सारी कॉपीज़ देहरादून आती है तो देहरादून में आरएमसी के टीचर्स नहीं करते कॉपीज़ चेक, वो आउटसोर्स करते हैं बाहर से। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं एक ऐड डालते हैं, ओके, एक एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि हमें टीचर्स चाहिए इंग्लिश के, मैथ्स के कॉपीज़ चेक करने के लिए, और उनको वो पे करते हैं। ठीक है, अब जब बाहर से कोई देखिए आरएमसी बेसिकली हम इसको इक्विवेलेंट टू एनडीए मानते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एनडीए में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कॉपीज चेक होती हैं, यूपीएससी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसी तरीके से मुझे लगता है कि आरएमसी ने ऐसे आउटसोर्स नहीं करने चाहिए टीचर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की साइकोलॉजी टेस्ट कहीं ना कहीं उनके एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पेपर से भी हो रहा है। आप क्यों बच्चों को पीपीडीटी दे रहे हैं बताओ, क्यों बच्चों को आप पिक्चर बेस्ड स्टोरी दे रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर बेस्ड स्टोरी, कहीं ना कहीं बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चों की क्या विचारधारा है, बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, वो आप कहीं ना कहीं पिक्चर बेस्ड स्टोरी से तो चेक कर सकते हैं ना। ओके, तो जब आप बच्चों को पिक्चर बेस्ड स्टोरी दे रहे हो बच्चों की क्रिएटिविटी चेक करने के लिए, तो प्रॉपर उसके उसमें टीचर्स होने चाहिए आरएमसी की तरफ से प्रॉपरली ट्रेंड। ओके, साइकोलॉजिस्ट भी होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। ओके, क्योंकि आरएमसी का स्टैंडर्ड वही है ना, आरएमसी का लेवल वही है। ठीक है, हमें पता ना कि आरएमसी कितना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया में एक ही है बस, तो वाई यू आर आउटसोर्सिंग टीचर्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और फिर उनसे आप कॉपीज चेक करा रहे हो, और वो कैसे कॉपीज चेक कर रहे हैं उस पर हमें डाउट है, उस पर हमें डाउट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन के ऊपर भी बात ये करी जा रही है कि आरएमसी एक इसमें भी एक एक टीम को सेट करे। ओके, या तो ऑब्जेक्टिव पेपर बना ले, अगर ये सारे प्रॉब्लम से अगर बचना चाहता हो, अगर सब्जेक्टिव पेपर उसको रखना है तो एक टीम बनाए जो कि सारे बच्चों की कॉपीज चेक करे,
उस टीम को अलग अलग रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भी बनाया जा सकता है ताकि वो लोड आरएमसी के पास ना आए या वो सारे पेपर्स यहाँ ना आए। अगर वो सारे पेपर्स यहाँ आए तो टीम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो केपेबल हो सारे बच्चों की कॉपीज़ को एवेल्युएट करने के लिए, ताकि वहाँ से प्रॉपर हम लोग बच्चों को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, वहाँ से भी साइकोलॉजी चेक हो सकती है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ना, वहाँ से भी तो देखा जाता है बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है। जैसे यूपीएससी में होता है ना, यूपीएससी में जो जो राइटिंग स्किल्स बच्चे के देखे जाते हैं वही देखे जा सकते हैं यहाँ पर भी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चार पॉइंट्स हैं जो मैं कहीं ना कहीं लास्ट में फिर से पेरेंट्स को एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी मैथ्स के पेपर के लिए, हमने बात करी कि जो आरएमसी का पेपर है वो एनटीए कंडक्ट करवाए। एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए आरएमसी का। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो बच्चों का इंटरव्यू है, ठीक है, वो होना चाहिए आरएमसी में ही। तीसरा पॉइंट हमने देखा जो कि इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल, मेडिकल के साथ मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। ये सारे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, मेडिकल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बातें आएंगी बाहर निकल के कि बच्चे जो 11th में हैं, 10th में हैं आरएमसी में, दे आर नॉट मेडिकली फिट, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से गलत होगी हमारे आर्म फोर्सेस के साथ ही। तो मेडिकल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेडिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरएमसी को लेनी चाहिए। इसको बेसिकली आरएमसी ने इसको कंबाइंड कर लेना चाहिए ना, कंबाइंड। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो इवैल्यूएशन है आंसर शीट्स की, उसको भी आरएमसी ही करे। ओके, कोई बाहर से टीचर्स को आउटसोर्स ना करते हुए जो इनके यहाँ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो टीम है बेसिकली एजुकेशन कोर की, वही आए और वही बच्चों के पेपर्स को भी चेक करें। ओके, एक प्रॉपर टीम बनाए। ओके, तो ये सारे व्यूज़, सारे जो विचार हैं सभी पेरेंट्स के हैं, सभी पेरेंट्स के साथ मैंने सारी बातें डिस्कस करी हैं। कुछ पेरेंट्स ने हमारे एकेडमी को भी विज़िट करा है, आए बैठे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें से ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी आरएमसी में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसे भी पेरेंट्स आए हमारे पास और उन्होंने सारी चीज़ें हमसे डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये कुछ मेजर चेंजेस हैं क्या, इसको आरएमसी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ज़रूर इन चार पॉइंट्स में आरएमसी को ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एनडीए में सिलेक्शन रेट है, एनडीए में जो सिलेक्शन रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाएगा, आरएमसी का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ जाएगा एनडीए में, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया तो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर मेडिकल, क्योंकि बहुत बच्चे मेडिकल आउट भी होते होंगे एनडीए में, अगर प्रॉपर मेडिकल हो, प्रॉपर इंटरव्यू हो, तो वो डिफेंस ओरिएंटेड बच्चे पहले ही आ जाएंगे। और अगर यहाँ से भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन, राइटिंग सेक्शन से भी बच्चों की कॉपीज़ को इवैल्यूएट किया गया, खासकर इंग्लिश की कॉपी के लिए तो स्पेसिफिकली बच्चों का इवैल्यूएशन होना ही चाहिए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड स्टोरीज भी आती है, वहाँ से एक साइकोलॉजी बच्चे की निकल के आ सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को अगर सिलेक्ट किया जाएगा तो आगे एनडीए में सिलेक्शन रेट भी अच्छा देखा जाएगा। ओके, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सारी बातें हैं, ये सभी एक डिस्कशन का आउटकम है जो कि मैंने पेरेंट्स के साथ किया था। इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, आरएएमसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आरएएमसी जाएं, आरएएमसी ज्वाइन करें, इतना ज़्यादा भरोसा हमें आरएएमसी के ऊपर। और हमें ये भी मालूम है कहीं ना कहीं आरएएमसी इन सारे चेंजेस के बारे में कुछ ना कुछ सोच रही होगी या इसके ऊपर काम कर रही होगी, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आउटकम हमें आरएएमसी की तरफ से देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, क्योंकि जिस तरीके के एग्ज़ाम्स का पैटर्न अभी देखा जा रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीधा कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं। तो आई होप कि पेरेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा दूसरा ऐसा वीडियो है आरएएमसी के ऊपर जहाँ पर जो मेरी नाराज़गी है वो मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मुझसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इस वीडियो को शेयर करें और अपनी अपने विचारों को कॉमेंट्स के थ्रू सामने रखें। मैं वेट करूँगा आप लोगों के कॉमेंट्स का, आप लोगों को क्या लगता है। और इसी नोट के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, अलविदा लेता हूँ आप सभी लोगों से और मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।